आजा बैठ जा, नाश्ता कर ले। ये तो सुरभि की आवाज है। चल सुरभि, सुरभि, सुरभि कहाँ है साला बाळा? उठ जा, उठ जा। अरे ये गिर कैसे गई? दादा हम सब आपस में मस्ती कर रहे थे, क्या हुआ? सुरभि बैठने वाली थी, बिंदु दीदी ने पीछे से चेयर खींच ली। सुरभि टपक। अरे ये कैसा मजाक है? सुरभि को चोट वोट लग जाती तो? क्यों, मजाक भी नहीं कर सकते? मेरे मतलब तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा जैसे सुरभि कुर्सी से नहीं पहाड़ से गिर गई हो। बात वो नहीं है बस। अरे कार्तिक, हम भाई बहन एक दूसरे से जितनी मस्ती करेंगे ना, प्यार उतना ही बढ़ता है। एकदम बराबर। कार्तिक वो क्या है ना, ये हमेशा चुपचाप सहमी सहमी सी रहती है, तो हमने सोचा कि थोड़ा मजाक मस्ती कर लेगी तो ये कंफर्टेबल हो जाएगी। हाँ दादा, इसे हर्ट करने का हमारा इंटेंशन नहीं था, फिर भी अगर आपको बुरा लगा है तो हम दूसरी बार सॉरी बोलने के लिए तैयार हैं। नहीं अनिकेत, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वाह, सुरभि कशी आहेस रे तू? तब्येत ठीक हो गई तेरी ना? अभी ज्यादा जोर से लगी तो नहीं, गिरी तो? ए है माँ बिंदु, अनिकेत बोले तो तुम लोग ने ना आज मेरे को एकदम प्राउड फीलिंग करवा दी है। कैसे तुम लोग सुरभि के बारे में सोच रहे हैं? अरे सुरभि भी तो तुम लोग को अपना मानने लग गई है। इसी बात पे सेलिब्रेट करते हैं। अरे बहुत दिनों से साथ में नाश्ता नहीं किया रे काटिया तेरे साथ, चल बैठ। मैं कौन से मिलने गई थी? हेमा दी, आज आप उन्हें बुलाने वाली थी ना? क्यों सर? वही जिनसे आप कल मिलने गई थी, आपका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? देख तू कैसे शर्मा रही है रे। मैं बताती है तेरे को, वो हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि जाकर मिलते हैं उस लड़के से आज। कौन सा लड़का? तेरा बॉयफ्रेंड? हाँ बॉयफ्रेंड। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वो आज हम लोग जाकर मिलते हैं उसको क्या? एक्चुअली ताई आज नहीं, आज संडे है ना, और आप जानती है हर संडे मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है वो गरीब बच्चों के साथ लंच करने। ओह अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई रे। तो ऐसा करते ना हम लोग कार्तिक कि मैं जाकर मिल लेती हूँ, अरे पहले मैं तो देखूं कैसा है लड़का, कौन है, करता क्या है, फिर अपनी बराबरी का है कि नहीं, हाँ फिर तू मिल लेना, क्या बोलता है? ठीक है ताई। अच्छा उस लड़के से मिलने के बाद मुझे फोन जरूर कर देना, मतलब लड़का कैसा है मुझे तो। अरे मंजे का है, तेरे को फोन नहीं करेगी तो क्या ये रघु को फोन करेगी?
अरे तू इच तो मेरी हेमा को लेके आएगा ना मंडप में, मिर्शाना मुलगा। ये चल रहे अभी, चलो फटाफट रख इसको, छोड़ छोड़ छोड़, चल 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 चल। लता कल तेरे को एक बात बताई थी ना मैंने, भूलना मत उसको। कौन सी बात? लेडी स्टॉक, तेरे को सब कुछ जानने का है हाँ? नॉटी बॉय। चल। ताई, हम जा कहाँ रहे? ये टफर के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने। आइला, बॉयफ्रेंड मेरे लिए? वो बड़ा पुरुष थी वन, नौटंकी वाला ढूंढने वाली है, भाड़े पे लेके आएगी उसको। चार हरकतें ऐसे करवाएगी कि कट्टे अपने आप ही चाहेगा कि रिश्ता तोड़ दो। ये रिश्ता तोड़ देना, समझी ना? हाँ। चल चल। ए, अब तुझे क्या इनविटेशन दूँ? बैठ ना, ताई चलेंगे, बैठ। अय्या, मेरे का भूख बहुत तेज लगी है। ले पोहा खा ले। अरे कांदा पोहा, बड़ा पाव भी है। ए, ये सुरवी के लिए। सुरवी, तुम्हारे लिए स्पेशल मंगाया, खाओ ना। आई, आज आप सबका क्या प्रोग्राम है? कुछ खास नहीं, क्यों रे? नहीं, वो क्या है ना कि आज फैक्ट्री में लंच वगैरह होने वाले, तो आप लोग भी मेरे साथ चलो, बच्चों के साथ खूब धमाल मस्ती करेंगे। नहीं कार्तिक, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती, घर में थोड़े काम है वो निपटा लूंगी। ठीक है, तो मैं, रघु, सूर्य और शांति, हम चारों चलते हैं। कार्तिक, मेरा भी कहीं जाने का मन नहीं है। सुरवी, दादा, सुरवी नहीं आ रही है तो मैं भी नहीं आऊंगी। मैं जानता हूं सुरवी की मुस्कुराहट कैसे आ सकती है। नमस्कार ताई। ए बिंदु 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 बिंदु, कान फाड़ेगी क्या? क्यों चिल्ला रही है? अरे ये वही आदमी जिसने सुरवी को मारने की कोशिश की थी, ये वही है। हाँ तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? अगर ताई ने इस आदमी को सुरवी को मारने की सुपारी दी है तो ये आदमी ताई से ही तो बात करेगा ना। अबे हाँ रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे लगा तुम लोग वहाँ नहीं थे ना तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज दे दो, इसलिए मैं। बात सुन मेरी, अगर इस बार तूने अपनी अकल चलाई ना तो ताई के हाथ पिटेगी, समझी? बहुत लोग ढूंढ रहे हैं तेरे को, अगर तू पकड़ा हो गया ना तो तू तो जाएगा ही, साथ साथ मेरे को भी लेकर जाएगा तू। अरे क्या बात बोलती हो ताई, जान दे देगा आपके लिए, आपका नाम नहीं बोलेगा। मालूम है, मालूम है। बाकी जो भी काम रहेगा मैं तेरे को फोन पे बोल देगी। ये ले, रख। ये क्या ताई, भाऊ का बहुत एहसान है मेरे ऊपर। चल रख ना रे बाबा, काम आएगा तेरे को। थैंक यू ताई। ताई, कुछ डिस्टर्ब दिख ले लियो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लोचा बिचा हो तो बोलो, मैं है।
कि पकिया मेरे को ना एक 25 से 26 साल का बोले तो एकदम चिकना सुंदर और एकदम फर्स्ट क्लास झूठ बोलने वाला लड़का चाहिए। पैसा जो वो बोले, काम जो मैं बोलूं। हाँ ताई, एक है, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप जाके मिल लो। काय नाव काय त्याचा? प्यारे मोहन त्रिपाठी। प्यारे मोहन त्रिपाठी। त्रिपाठी। शांति, तुम कुछ खा लो। मेरी वजह से तुम क्यों? अरे हम तो पक्के दोस्त है ना, मेरी दोस्त ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे कुछ खा लूं? लेकिन शांति, मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, तुम मेरी वजह से भूखी क्यों? तुम प्लीज जाके कुछ खा लो। ठीक है, जब तेरा मूड बन जाएगा ना, मेरा भी मूड बन जाएगा। शांति, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिख रहा हो। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सुरभि, कार्तिक, चलो इसी बहाने सुरभि हंसी तो सही। अच्छा अच्छा हंस रहे हंस रहे।
अरे एक मिनट के लिए मेरे को लगा कि तूने पार्टी में वो जोकर मंगवाया है, लेकिन ये तो अपना कार्टिया ही तेरे जोकर बनकर खड़ा इधर। बहुत तरक्की की है रे तूने। अच्छा अच्छा अब तक तो तू खिलौना बनाकर इन बच्चे लोग को हंसाता था, आज तू खुद ही खिलौना बन गया दूसरों को हंसाने के लिए। अच्छा बहुत अच्छा, अभी जा जाकर मुंह धो के आ, तेरे को वो ऐसा ही जोकर बनकर रहने का है क्या पूरा दिन? जी ताई मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा ताई आपकी मीटिंग का क्या हुआ? मुलाकात हुई हिम्मत के बॉयफ्रेंड से। कैसे हुआ? बातचीत किया मैंने लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया रे मामा। क्यों? क्यों मांजे? फैमिली मैटर है, सबका राय मशवरा जरूरी है मेरे लिए। और फिर तू तो हेमा का भाई है ना, पहले तू ओके कर। अरे ताई आप भी ना। अभी तू जा ना बाबा, जाके मुंह धो। फुकट का गाना, फुकट का गाना मिलेगा तो खुश कोई को नहीं होंगे तुम लोग। चलो 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 अभी अपना अपना घर को जाओ रे। चलो बच्चा लोग। लता क्या है? बहुत मजा किया ना तूने भी, बस मौका मिलता नहीं है कि अभी इतना जो घाण हुआ ये कौन साफ करेगा? मैं। चल सारा साफ सफाई कर। सुरवी अब फिर से सुरवी को कुछ कहना दे। नहीं अब और नहीं, कार्तिक के जान की धमकी देकर ताई ने मुझे चुप जरूर कराया है लेकिन सुरवी के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। सुरवी सुरवी बेटा मैं यहाँ की साफ सफाई करा लेती हूँ, तब तक तू जाके रूम में शांति के साथ थोड़ा पढ़ ले। बाड़ा कोई टेंशन है? ठीक है। काकी आप मुझसे कुछ छुपा नहीं है, आपके चेहरे पे साफ परेशानी दिख रही है, बताइए ना मुझे। नहीं बेटा तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? जब से गणपति पापा का विसर्जन हुआ है तब से मैं आपको देख रही हूँ, आप एकदम चुप चुप हैं। कोई बात है जो आपको तकलीफ दे रही है? बताइए ना मुझे काकी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी,
कुछ खास नहीं, बस तुझे और कार्तिक को लेकर थोड़ा परेशान। देख बेटा, जिंदगी जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी होती नहीं है। तुम दोनों को तो पता नहीं पापा ने तुम दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, तुम दोनों को कहां लेकर जा रहे हैं, कौन सी परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारी। काकी, गणपति पापा हमेशा अच्छों के साथ अच्छा ही करते हैं, और वैसे हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो गणपति पापा हमारे साथ कभी बुरा होने ही नहीं देंगे। बचपन में ना मैंने एक कहानी सुनी थी, एक राजकुमारी थी, वो हंसती थी ना तो फूल बरसते थे, ऐसे ही फीलिंग आई रही मेरे को सुरभि को हंसता हुआ देखकर। ए ताई, तेरी सटक गई है क्या, यहाँ हम सबका दिमाग खराब है सुरभि की हंसी को देखकर, और तू ये सब। अचानक से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की 50% की मालकिन बनी है वो तो हंसेगी इचना, रोएगी काय को वो। तुम लोग मेरा पागल ही जाए। हो क्या गया है? बहुत घबराहट हो रही है मेरे को, आने वाला कल नजर आ रहा है हम लोग का। थोड़ा मार्केट से लोन उठाना चाहिए रे, हाँ? चाली में मकान खरीदेंगे। ए ताई, तू ये क्या बोल रही है? तेरी इन बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने अभी से हार मान ली? मेरे को लगता था कि कार्तिक मेरी मुट्ठी में, कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा वो, लेकिन मेरे को अंधेरे में रखकर उसने उस श्रीकांत से वादा किया। और तो और, उस सुरभि को लाकर मेरी छाती पर ही बिठा दिया। ताई गई खड्डे में, और ताई से किया हुआ वादा भी खड्डे में। मंजे ताई का रुतबा, ताई की दहशत, सब खत्म। और आज जो मैंने देखा ना उसके बाद तो। पर ताई, आज तूने ऐसा क्या देखा? अब तक सुरभि और कार्तिक सिर्फ एक वादे की वजह से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन आज मैंने उन दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बनते हुए देखा है। अगर इनकी दोस्ती चल पड़ी ना बिंदु, अपनी वाट के साथ साथ खाट भी लग जाएगी।